उत्तर प्रदेश की सियासत में भाजपा फिर से सत्ता पर काबिज होने की कवायद में है, तो विपक्षी दलों का मिशन है भगवा दल के विजय रथ को हर हाल में रोकना। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी दलों की नजरें छोटे दलों पर आ टिकी हैं। अखिलेश यादव की सपा इस मिशन में जोर शोर से जुटी हुई है। इसी बीच अखिलेश यादव के निशाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। दरअसल सूबे में अखिलेश यादव की महान आर्मी ने सियासत को गर्म कर दिया है। अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों को लेकर यूपी फतेह की बड़ी रणनीति बना रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अभी तक तो मैं 350 सीटों पर जीत की बात कह रहा था, लेकिन महान दल से कार्यक्रम तय होने के बाद 400 सीट पर जीत पक्की हो गई है। सपा प्रमुख ने राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को नकली केशव बताते हुए कहा कि असली केशव तो महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग जातिवाद जनगणना नहीं कराना चाहते हैं और हमारे आपके बीच लड़ाई कराना चाहते हैं, लेकिन अगर सपा की सरकार बनेगी तो यह जनगणना होगी। कुल मिलाकर महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य को साथ लेकर चलने के साथ ही अब अखिलेश केशव प्रसाद मौर्य को भी निशाने पर ले रहे हैं। अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि बड़े दलों से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन छोटे दलों के लिए रास्ता खुला है। राष्ट्रीय लोकदल, महान दल और जनवादी पार्टी से सपा का पहले से ही गठबंधन है। कई और छोटे दलों से गठबंधन की बात चल रही है। इस बीच 2017 में बीजेपी संग मिलकर चुनाव लड़ने वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी सपा के गठजोड़ में आने की ललायत है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के गठजोड़ में उनका पहला विकल्प समाजवादी पार्टी है और फिर बसपा व कांग्रेस। कहा कि सपा अगर क्षेत्रीय व छोटी पार्टियों से समझौता कर ले तो चुनाव परिणाम बदल जाएंगे। केवल सुबह सपा संग समझौते से मऊ, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, अम्बेडकर नगर आदि जिलों में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। बनारस में सिर्फ 2 सीट पर लड़ाई रहेगी। लिहाजा ऐसे में अगर सपा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से भी महागठबंधन कर लेती है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, और खुद अखिलेश भी इसी मिशन में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।